हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल वाइल्ड प्लैनेट पे। चलिए आज हम आपको बताते हैं किंग कोबरा के बारे में और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है और ये पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मुताबिक इसकी लंबाई 5.4 मीटर तक हो सकती है। इसकी खासियत इसका जहर नहीं बल्कि पीड़ित को काटने पर छोड़ी गई जहर की मात्रा है। हर बार काटने पर ये लगभग 7 ml जहर छोड़ता है। ये एक बार में 3 से 4 बार काटता है। इसके काटने से एक इंसान की मृत्यु 15 मिनट में और एक हाथी की मृत्यु कुछ ही घंटों में हो सकती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। एक स्वस्थ किंग कोबरा सांप आसानी से लगभग 20 साल तक जीवित रह सकता है, यानी इस सांप का जीवन काल 20 साल तक होता है। एक स्वस्थ किंग कोबरा का वजन लगभग 20 किलो तक होता है। क्या आप जानते हैं कि किंग कोबरा सांप घोंसला बनाकर रहते हैं? जी हाँ, और मादा किंग घोंसलों का इस्तेमाल अन्य जीवों मांसाहारी से अंडे छिपाने के लिए करती है। मादा कोबरा एक बार में लगभग 20 अंडे देती है और संख्या बढ़ाकर 30 भी कर लेती है। नर किंग कोबरा आमतौर पर मादा किंग कोबरा से लंबे होते हैं और वजन में भी। किंग कोबरा 5 मीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं और यह सबसे जहरीला सांप भी होता है। दुनिया में सबसे सांपों में जहरीले तीसरे नंबर पर ही आता है। कोबरा सांप अपने जहर को लगभग 3 मीटर की दूरी तक आसानी से फेंकने की क्षमता रखता है। किंग कोबरा का जहर इतना खतरनाक होता है, इसके काटने से कुछ मिनटों में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके जहर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कोबरा सांप के काटने पर हाथी का भी जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपनी ही प्रजाति के सांपों को खा जाता है। ये अपने शिकार को 100 मीटर की दूरी से भी आसानी से देख सकता है। इन सांपों के कान नहीं होते, यह शिकार की आवाज़ हिलने मात्र और गर्मी या शरीर के कंपन से भी पता लगा सकते हैं। अगर इनका जहर आँखों में चला जाए तो आँखों की रोशनी चली जाती है। भोजन के बिना ये कई दिनों तक भूखा प्यासा रह सकते हैं। यह अपनी लंबाई के आधा हिस्से से भी ज़्यादा खड़े हो सकते हैं। इसमें सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन नामक घातक जहर होता है जो पीड़ित को या उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। यह ज़्यादातर भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। मादा कोबरा लगभग 20 अंडे देती है जिसमें लगभग कुछ ही बचते हैं। यह अपने अनुसार ही शिकार के शरीर में जहर छोड़ते हैं, यानी इसका निर्णय यह खुद ही करते हैं शिकार के शरीर में जहर छोड़ें या कम छोड़ें। और अंत में इसका जानी दुश्मन नेवला ही एकमात्र जीव है जो किंग कोबरा का शिकार आसानी से कर लेता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद